अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि झटपट काली मिर्चों का चिकन की रेसिपी कैसे तैयार किया जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि पिसी हुई हल्दी एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैं ये सारा चिकन ऐड कर दूँगी। पहले एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने ये सारा चिकन ऐड कर दिया, सारे मसाले ऐड करूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल और दही। तेज आंच में मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूंगी पहले तेज आंच पे। ये पकना शुरू हो गया है, अब जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता, ये ग्रेवी खुश्क नहीं हो जाती तब तक मैं इसे अच्छी तरह भूनती रहूँगी। जब तक ये भून रहा है तब तक साथ साथ आप इसके अंदर चमचा हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। बस अब तकरीबन तैयार होने वाला है। मैं इसके अंदर 4 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दूँगी टेस्ट के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐड नहीं भी करें तो भी ये सही बनेगा। ये भून के तैयार हो गया, देखें इसका कुकिंग ऑयल साइड पे आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। पहले मैंने इसमें दही ऐड की थी, वो भी थोड़ी सी तुर्श थी, इसके लिए मैंने अब लेमन जूस ऐड कर दिया है और इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसे मैं अब हल्की आँच पर थोड़ी देर और पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। अब ये मज़ेदार चिकन बनके तैयार हो गया है। आज मैंने आपको इसकी आसान रेसिपी बताई और बहुत जल्द ये तैयार हो गया। इसे आप गेस्ट आए उनके लिए बहुत इजीली जल्दी से तैयार कर सकते हैं या किसी त्यौहार पे। और अगर आपको पसंद आए तो फिर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।